unemployed.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हम चुनावी समीक्षा में लेकर आए हैं कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में बात। उसमें मनरेगा के लिए कुछ अलग योजना है, किसानों के लिए कुछ अलग बजट पेश किया गया है। तो राजनीतिक समीक्षक राजेश राठौर जी से आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगी घोषणा पत्र की क्या खास बात है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। आज राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें एक बात वो पहले भी कह चुके हैं कि जो देश के बेरोजगार हैं उनको 6,000 रुपये महीना देंगे, जो गरीबी रेखा के नीचे गए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है ये भी कहा है कि हम जो है किसानों के लिए अलग बजट बनाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा है कि हम शिक्षा के लिए भी अतिरिक्त पैसा खर्च करेंगे। ऐसी कई उन्होंने लोक लुभावन घोषणाएँ की है और उसको देखकर लगता है कि जो मध्यवर्गीय और गरीब और किसान का जो वोट है और युवाओं का जो वोट है वो हासिल करने की कांग्रेस ने एक कोशिश की। कांग्रेस का कहना है 72,000 रुपए दिए जाएंगे, तो कांग्रेस ये 72,000 रुपए कैसे देगी? बहुत गंभीर सवाल है और इस पे देश के कई अर्थशास्त्री लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये देना बड़ा आसान भी है और कठिन भी है। आसान इस मायने में है कि जो गरीब और मध्यमवर्गीय युवा बेरोजगार हैं उनको 6,000 रुपये महीना देना है और ये पैसा जो बैंकों का बकाया पैसा उद्योगपतियों के पास है वो यदि वसूली ईमानदारी से हो जाती है तो उस पैसे में से ये पैसा तब तक दिया जाएगा जब तक कि उस युवा बेरोजगार को रोजगार न मिल जाए। और उसके अलावा सरकार बाकी करों से भी जो इनकम होती है उसमें से भी कुछ पैसा इसमें देगी। राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण घोषणा पत्र को लेकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआती तौर पे कहा है कि हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की है और विदेशी अर्थशास्त्रियों का भी ये तर्क है कि इस तरह का उपक्रम किया जाना चाहिए और वाकई यदि ये राहुल गांधी करने में सफल हो जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। हर सरकार द्वारा भले वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, किसानों के लिए हमेशा योजनाएं लाई जाती है, किसानों का हमेशा भला किया जाता है, लेकिन किसानों की हालत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने जब से होश संभाला तब से हम सुन रहे हैं भय, भूख और भ्रष्टाचार। तो भय भी अभी तक है, भूख भी अभी तक है और भ्रष्टाचार भी अभी तक है। भ्रष्टाचार हटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए, दावे किए। ये बात सही है कि सीधे तौर पर बहुत सारे जो मामले कांग्रेस की सरकार में आए थे उतने मामले बीजेपी सरकार में नहीं आए, लेकिन राफेल घोटाले और बाकी मामलों को लेकर, बैंकों का करोड़ों रुपया खाकर भागने वाले उद्योगपतियों को लेकर जो आरोप लगे वो भी कोई छोटे मोटे नहीं है। ये जो आप कहना चाहती हैं कि किसानों का जो मुद्दा है इस पर कई नेता सालों से राजनीति कर रहे हैं, अपना आप को किसान नेता कहने वाले कई नेता स्वर्ग पधार गए, कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। किसान का असली दर्द अभी तक दूर नहीं हुआ, उसका कारण है कि किसान भी नई तकनीक के साथ काम नहीं करना चाहता। किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में बड़ा होता है और कर्ज में ही मर जाता है, ये बात आज भी साबित हो रही है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी किसानों पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार खर्च कर चुकी है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि अभी तक किसानों का उद्धार नहीं हुआ, इस बात पर सोचना चाहिए। हम मानते हैं कि किसान के कारण ही देश की उन्नति होती है और किसान ही देश की आर्थिक प्रगति का आधार स्तंभ है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि आखिर सारी सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कब तक किसानों पर करोड़ों अरब रुपए लुटाती रहेगी? कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बन सकती जिस योजना पर काम करने के बाद किसान आर्थिक रूप से न केवल सक्षम हो बल्कि स्वावलंबी भी बन जाए। घोषणा पत्र में शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कही गई है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो ये क्या मुद्दा है? ये मामला ये है कि सरकारी स्कूलों की हालत इसलिए खराब हुई कि जब से देश के नेताओं ने निजी स्कूल खोलना शुरू किए,
कई स्कूलों में विधायक सांसद और मंत्रियों की पार्टनरशिप है, कोई घोषित तौर पे है तो कोई अघोषित तौर पे। तब से इन सरकारी स्कूलों का पतन होना शुरू हुआ। क्या देश के पुराने बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े? लेकिन पिछले 20-25 सालों में सरकारी स्कूल का जो लगातार गिरावट आने वाली बात सामने आई, उसके कारण प्राइवेट स्कूल फल फूलते गए। अब ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या जो अपने बच्चों को औपचारिकता के लिए सरकारी स्कूल भेजते हैं। मैं आज भी ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें शिक्षा के लिए वास्तव में काम करना चाहती है तो सरकारी स्कूलों को जनसहयोग से चलाया जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार से फायदा लेने वाले सभी लोगों को अपने बच्चे सरकारी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाना अनिवार्य होंगे, तो ही उन्हें फायदा मिलेगा, तो ही उन्हें पार्टियां टिकट दे पाएगी, तो ही विधायक और सांसद और पार्षद बन पाएंगे। तो फिर देखिएगा आप, निश्चित तौर पे ये मान के चलिएगा कि सारे सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी। वैसे अभी भी सरकारी स्कूल से उम्मीद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो कई दूरस्थ इलाके में अभावों में पढ़ने वाले बच्चे मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाते हैं। ये उन स्कूलों के लिए भी चुनौती है जो स्कूल 5 सितारा होटलों की तर्ज पर बन गए हैं लेकिन वहाँ पर शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत जहाँ 100 दिन का रोजगार मिलता था वहाँ 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, तो ये गारंटी पूरी हो पाएगी? निश्चित तौर पे सरकार जो मुफ्त का माल बांटती है उसकी बजाय फालतू का जो पैसा खर्च करती है उसकी जगह मनरेगा योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। ये योजना मनमोहन सिंह सरकार के समय आई थी और उस समय ये कहा गया था कि ग्रामीण जो लोग मजदूर चौक पर जाके खड़े रहते हैं और उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो उनके एक समय का भोजन भी नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार मिनिमम जो है 100 दिन की गारंटी देगी और उसके तहत सरकार ने ये तय किया था कि मजदूरों से काम कराया जाएगा, मुफ्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। यदि किसी मजदूर को प्राइवेट रोजगार नहीं मिला एक दिन का या मजदूरी नहीं मिली है तो वो सरकारी योजना में जाएगा, वहाँ अपना नाम दर्ज कराएगा और उसको एक काम सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार की इस मनरेगा योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में तालाब खोदने का काम किया गया और वो जल पुनर्भरण के हिसाब से महत्वपूर्ण कारगर साबित हुआ। अब जो 150 दिन की योजना है उससे निश्चित तौर पे ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। ये वास्तविक योजना है, सरकार को ये जो मुफ्त की योजना है हर चीज में मुफ्त सब कुछ देना, बड़े लोगों से टैक्स में ज़्यादा वसूली करना और गरीबों में बांटना, ये जो हुकूमत चलाने का नया सिस्टम पिछले 20-25 सालों में बना है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक उद्योगपति को बिजली की दरें ज़्यादा चुकाना पड़ती है और एक गरीब को मुफ्त की बिजली का कोई पैसा नहीं देना होता है और वो निर्धारित बिजली जलाने की बजाय ज़्यादा बिजली जलाता है, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती और लोगों को मुफ्त की योजनाओं का लाभ दे देकर सरकारें पंगू बनाती जा रही है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवाओं को यदि कमजोर और मक्कार बनाने का काम किया है तो इन सरकारों ने किया है जो वोट के खातिर मुफ्त में सब कुछ देने के लिए घोषणा कर देते हैं और उसी के कारण लोगों को अपने कमाने की या खाने की चिंता नहीं होती। घोषणा पत्र में एक और बात है, वो ये है कि 6 महीने में 22 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो इस पर आपका क्या विचार है? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार में जितने पद खाली पड़े हैं वो पद भरे जाने चाहिए, क्योंकि जब पद खाली हो गए हैं तो सरकारी कामकाज भी प्रभावित होता है। कई अधिकांश कर्मचारी और अफसर रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह काम करने वाले भी लोग नहीं मिलते, इसलिए यदि 22 लाख पद सरकार के पास खाली पड़े हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाना चाहिए कि 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन पदों को भरने के लिए आगे प्रयास क्यों नहीं किया? क्या देश में उतने योग्य लोग नहीं थे? क्या कारण था कि इतनी
बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में पद खाली होने के बावजूद अभी तक ध्यान नहीं दिया। वाकई हिंदुस्तान में युवाओं में बहुत जोश है, युवाओं में बहुत अनुभव है, युवाओं में काम करने की इच्छा शक्ति है। वह युवा विदेश जाने के बजाय अपने देश में ही काम करना पसंद करेगा यदि उसको यह नौकरी मिल जाती है। राहुल गांधी ने रोजगार देने की दिशा में ये जो घोषणा की है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी समीक्षा में राजेश राठौर जी के साथ अभी तक के लिए इतना ही। हम आगे भी आपके सामने हाजिर होते रहें। चुनावी समीक्षा में राजेश राठौर जी के साथ अभी तक के लिए इतना ही। आगे भी हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।